शरीर थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी हृदय में बैठ के बिहार जी बोल रहे हैं, कीर्तन करा रहे हैं। ठाकुर जी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी चलो वो कृपा कर रहे हैं तो उस कृपा को तो लूटना ही चाहिए। आओ एक झांकी और ले लो वृंदावन की, फिर जय जय सरकार सेवा में आएंगे। वृंदावन में हर पल बरसात हो रही है, हर पल बरसात, किस नाम की बरसात हो रही है? युगल नाम की बरसात हो रही है। कहीं राधा नाम के घन बरस रहे हैं, कहीं श्याम नाम के घन बरस रहे हैं, और जितने प्रेमी यहां से वहां पहुंचते हैं उन पर राधा नाम की कृष्ण नाम की बरसात में वो ऐसे भीग जाते हैं कि जब वृंदावन से बाहर आ जाते हैं ना तो भी वो उस रस में भीगे ही रहते हैं। इसका प्रमाण मिलता है भक्तमाल में, इसका प्रमाण है। जब पीपा जी महाराज ठाकुर जी की खोज करते करते द्वारका पहुंचे और द्वारका में किसी ने ये कह दिया कि अरे जिस द्वारका को तू ढूंढने आया है वो तो कब की समुद्र में डूब गई, ये मंदिर तो बाद में बना है द्वारका का, जिस द्वारका की तू बात कर रहा है ना वो तो समुद्र में डूब चुकी है। तो भक्त का ऐसा भाव जुड़ा, उसने कहा अगर समुद्र के अंदर ही वो द्वारका है तो मैं समुद्र में ही छलांग लगा देता हूँ। और पीपा जी महाराज ने समुद्र में छलांग लगा दी, और भक्त की कीर्ति मिथ्या ना हो जाए इसलिए समुद्र के अंदर ही द्वारकाधीश प्रकट हो गए और अपने हाथों में पीपा जी महाराज को संभाल लिया। कहते हैं इसी कली काल में, आज से 300-400 वर्ष पूर्व, इसी कली काल में पीपा जी महाराज 7 दिन तक समुद्र के अंदर उस दिव्य द्वारका में रहकर आए। और द्वारकापुरी में ये भ्रम फैल गया था कि पीपा महाराज ठाकुर के प्रेम में ऐसा पागल हुआ कि समुद्र में छलांग लगा के उसने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया। लेकिन जब 7वें दिन पीपा जी महाराज को समुद्र के ऊपर चलते हुए आते हुए देखा तो लोग हैरान हो गए। 7वें दिन समुद्र के जल के ऊपर पीपा जी महाराज चलते हुए आ रहे, और एक दिन किसी ने पूछा बाबा आपने समुद्र में छलांग लगा दी थी और समुद्र में डूबने के बाद कोई बच नहीं सकता है, इतने जलचर है वह, आप जीवित कैसे बचे? उन्होंने कहा कि मैं तो इस भाव से डूबा था कि समुद्र के अंदर ठाकुर की दिव्य द्वारका समाई हुई है, मुझे उस दिव्य द्वारका का दर्शन करना है, और जब मैंने छलांग लगाई तो स्वयं द्वारकाधीश मुझको आके संभाल गए और द्वारकाधीश मुझे अपने निज महल में ले गए। और हैरानी की बात ये थी जो बात हमने अभी कही कि वृंदावन में नित्य बरसात हो रही है और वहां के रसिक प्रेमी भक्त उस बरसात में भीगे रहते हैं हर समय, इसका प्रमाण पीपा जी के चरित्र से मिलता है। क्या? कि जब समुद्र से बाहर निकले ना तो पीपा जी का पूरा शरीर सूखा हुआ था, वस्त्र कहीं से भी कोई गीला नहीं था। भला ऐसा हो सकता है कि नदी में आप डूबो या डुबकी लगाओ और आपके वस्त्र सूखे रह जाए? नहीं, वो तो समुद्र से निकले थे, लेकिन समुद्र से बाहर आने के बाद भी पीपा जी महाराज के वस्त्र सूखे हुए हैं। केवल कंधे पर जो उपरना जो दुपट्टा यहाँ पे पड़ा हुआ था केवल इतना हिस्सा भीगा हुआ था। तो लोगों ने पूछा बाबा तेरे सारे वस्त्र सूखे हुए हैं, सारे वस्त्र तेरे सूखे हुए हैं, बस इतना ही हिस्सा इतना दुपट्टा ही तेरा क्यों भीगा है? तो पीपा जी महाराज ने कहा कि जब द्वारकापुरी में रहते रहते मुझे 6 दिन हो गए ना तो 7वें दिन श्री द्वारकाधीश ने कहा कि पीपा जी अगर आप यहीं रह गए तो आपकी कीर्ति मिथ्या हो जाएगी और मेरी भक्ति को कलंक लग जाएगा। देखो तो सही कि कृष्ण प्रेम में एक दीवाने ने अपनी आत्महत्या आत्मदाह कर दिया और उसे बचाने के लिए मैं आया भी नहीं, इसलिए आपको धरती पर जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों जब मुझे द्वारकाधीश विदा कर रहे थे ना तो मैं भी बिलक बिलक के रो रहा था और मेरे द्वारकाधीश भी मुझे हृदय से लगा के रो रहे थे, तड़प रहे थे। जितना दुख जितना विरह मुझे हो रहा था उससे कई गुना विरह, उससे कई गुना ज्यादा संताप मेरे द्वारकाधीश को था और वो मेरी छाती से लग के रोए। ये जो वस्त्र गीला देख रहे हो ना ये समुद्र के जल से गीला नहीं है, ये ठाकुर जी के आंसुओं से गीला है, आंसुओं से। ऐसी बरसात होती है बस कोई भीगने वाला चाहिए। आओ चलो वृंदावन धाम की ओर जहाँ नित्य निरंतर राधा नाम की बरसात हो रही है, कुछ पलों के लिए भीग लो फिर आनंद की ओर बढ़ेंगे भाव से प्रेम से श्रद्धा से।
हो राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का गाइए बरसे जहां घन, हो राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, हो ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, ओ वृंदावन हमारा वृंदावन, वृंदावन हमारा वृंदावन, ओ वृंदावन हमारा वृंदावन, वृंदावन हमारा वृंदावन, ओ राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम दर्शन करते हुए बरसे जहां घन, हो ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे प्रेम समूल वृंदावन धाम की। आपसे ताली सेवा करके प्रवेश कर, पात पात भी बोले राधे, डाल डाल भी बोले राधे, पात पात भी बोले राधे, ओ डाल डाल भी बोले राधे, पात पात भी बोले राधे, डाल डाल भी बोले राधे, पात पात भी बोले राधे, ओ बंसी बट भी बोले राधे, चीर घाट भी बोले राधे, बंसी बट भी बोले राधे, चीर घाट भी बोले राधे, ओ बंसी बट भी बोले राधे, चीर घाट भी बोले राधे, बंसी बट भी बोले राधे, चीर घाट भी बोले राधे। आप कहोगे कि डाल डाल राधे राधे कैसे बोल सकती है, चीर घाट जो पत्थरों से बना हुआ है वो राधे राधे कैसे बोल सकती है, बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि डाल डाल भी बोले राधे, उन कदम की डालियों पर बैठ के श्याम सुंदर ने राधा नाम का भजन किया है प्यारे, चीर घाट पे बैठ के किशोरी जी के नाम का भजन किया है, बंसीवट पे बैठ के श्याम नाम का भजन श्री जी करती हैं और राधा नाम का भजन श्याम सुंदर करते हैं, इसलिए वहाँ राधा नाम की गूंज है, राधा राधा नाम सिमरते मोहन, 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 हो ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, हो ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, राधा राधा नाम का बरसे जहां घन, एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की।
की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे, भक्तों की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे, हो संतों की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे, संतों की कुटिया में राधे, भक्तों के हृदय में राधे, हो रसिकों की वाणी में राधे, चित्र विचित्र की प्राण आराधे, रसिकों की वाणी में राधे, चित्र विचित्र की प्राण आराधे, हो रसिकों की वाणी में राधे, चित्र विचित्र की प्राण आराधे, रसिकों की वाणी में राधे, चित्र विचित्र की प्राण आराधे, हो राधा राधा नाम का चढ़ा लो पागल पल, राधा राधा नाम का चढ़ा लो पागल पल, हो राधा राधा नाम का चढ़ा लो पागल पल, राधा राधा, दोनों हाथ उठा के कह दो एक बार, पागल पल, हो ऐसा हमारा वृंदावन, राधा राधा नाम का डर से जहां घर, राधा राधा नाम का डर से जहां घर, हो वृंदावन हमारा वृंदावन, वृंदावन हमारा वृंदावन, हो वृंदावन हमारा वृंदावन, हे वृंदावन हमारा वृंदावन, हो वृंदावन हमारा वृंदावन, वृंदावन हमारा वृंदावन, आइए श्री हरदास।